समंदर का किनारा कहते ही हमें ये सब याद आ जाता है। करावली का किनारा, मैंगलोर, उड़ुपी का मलबे कोकरना, गोवा बीच और बहुत से समंदर के किनारे। हमारी ये कहानी समंदर में मछली पकड़ने वालों की जिंदगी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए गए लोग वहां से वापस लौटने में उन्हें एक हफ्ता, एक महीना या फिर कई महीने लग जाते हैं। मछली पकड़ने गए हुए लोग इसकी कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस लौट कर आएंगे, मगर मरते दम तक समंदर के भरोसे जीते ये लोग, यही इन लोगों की जिंदगी है और यही इन लोगों की कमाई। ये लोग बहुत खुश हों तो भी नहीं सह पाते और दुखी हों तो भी नहीं सह पाते। इन्हीं लोगों में से रहने वाला एक है शिवा, जो हमारी कहानी का हीरो है। ये कहानी पूरी समंदर के किनारे की है, फिर भी इससे एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाई जा सकती है। एक और बात, इस फिल्म में इन्हीं की जिंदगी से जुड़ी उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। करेंगे देखना मामा इधर ही बैठा है, पैसा मांग लेते हैं ना। ए मामा पैसा देना। हाँ देना है? बस 5 रुपया। जितना दिया चुपचाप लेके निकल। तो 5 रुपए में क्या नाचेंगे? हाँ चल रे, बड़ा आया जमींदार। हाँ नाच बेटा, 5 रुपए में सब कुछ चाहिए। ए गुल्ली। हाँ भाई। कहाँ है वो? कौन भाई? हर कोई कुछ गिरवी रख के पैसा ले जाता है, मगर वो अपनी बातों को गिरवी रख करके पैसा ले गया। वो ही यही कहीं होगा भाई, वो पकड़ के लाओ उसे। ठीक है भाई। मुझसे पैसा लेते वक्त मक्खन लगाते हैं। ए भाई पैसे दे दो ना। भाई 1 महीने में लौटा दूंगा भाई। भाई 2 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा। और जब मेरा पैसा लौटाना होता है तो तुम लोग बहुत बड़े जमींदार बन जाते हो। किसी को भी भेजो तो नहीं आते हो, खबर भिजवाओ तो भी नहीं आते हो, मुझे पैसे लेने खुद आना पड़ता है। कहाँ है वो बताओ जल्दी, कहाँ है वो? कहाँ है? बार बार पूछ रहे थे ना, जरा आप पीछे घूम के देखो ना भाई। तो ये है तुम्हारा हीरो और तुम सब इसके फैन। ओए, ये लोग मेरे फैंस नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर तुझे आने में 5 मिनट देर हो जाती ना, मैं आया होता ना, तो तुम लोगों को इन्हें छूने तक नहीं देता। क्या बे, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे। बांगड़ा मच्छी खाता हूँ, देख मेरी बॉडी, अगर ज्यादा घूरेगा घुसेड़ दूंगा। अबे गुल्ले, बांगड़ा मच्छी खाने वाला तो तू है, और मौत से डरे बिना समंदर में शार्क से लड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ और कोई ना है। क्या बे, क्या होल दे रहा तू? हाँ क्या क्या कर लेगा तू? ए गुल्ली चुप हो जा। देखो शिवा, ये बातों से हल होने वाला मामला है, बातों से ही खत्म हो। कुछ लोग तो बातों से सुधरते हैं और कुछ लोग बस मेरे हाथ से सुधरते हैं। कौन सा तरीका अच्छा रहेगा वो सामने वाले के बात करने पे डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है, तुम अभी जाओ। इसकी तो ए गुल्ली,
जाने दे उसे, तू थोड़ा शांत हो जा। उसका माँ बाप कोई नहीं है, भिखारी है वो भिखारी, उसके लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? भाई उसे सर झुका के बात करना चाहिए था, लेकिन वो अकड़ दिखा के गया। ऐसे छोटे आदमी को आपने पैसे दे दिए और उसे जाने दिया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। मछली जब तक पानी में रहती है तभी तक, जैसे ही जाल में फंसी है। हाँ चल चल आ जा, आज तो बच गया वो गुल्ली। हाँ बढ़ रहा था कैसे? हाँ। बढ़ रहा था तुझे पता मुझे? हाँ क्या बोल रहा था भाई? बीपी, मेरा बीपी बढ़ रहा था। अच्छा बीपी, मैं तो कुछ और समझ रहा था। कोई ना कोई चाहिए। ए, वो देखो कंपाउंडर आ रहा है। प्यार करने वाला। ए, 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 रुक। क्या भाई कंपाउंडर कहाँ भगे जा रहा है? हाँ सनी लियोनी के साथ डेट पे जा रहा हूँ, समझा क्या? दिखता नहीं है क्या? यूनिफॉर्म पहनकर मैं तुम्हारी तरह मछली थोड़ी ना बेचूंगा, ड्यूटी पर जा रहा हूँ। चलता हूँ तुमसे शाम को मिलूंगा। सुनिए सुनिए, आप लोगों से गुजारिश है, फैंस की फरमाइश से बहुत ही मस्त फिल्म आपके चहीते थिएटर में, शंकर राघवन की फिल्म, बहुत ही मजेदार और गानों से भरपूर, तो आइए, देर किस बात की, जल्दी आइए। ये क्या तामझाम है भाई? पिछले हफ्ते थिएटर में कौन हो तुम प्रेमी फिल्म देखने गया था, तो अगली फिल्म पुलिस वाला गुंडा आएगी ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए तामझाम करके रखा था। कैसा लगा मेरा गेटअप? एकदम मस्त लग रहा भाई। ये हुई ना बात। ओए चल गाड़ी घुमा। ओके भाई चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। बाय। मैं नहीं सीखूंगी खाना बनाना। अरे रुक रुक, खाना पकाना चाची ठीक से करो ना। घर का काम कर। अरे रास्ता छोड़ो, यहाँ बीच में कहाँ खड़ी हो? अरे खाना बनाना तो सीख ले। कहाँ भाग रही है? अरे रुक ना, कहाँ जा रही है? रुक, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, ये तो इसे नहाते हुए देख रहा है। नहाते हुए देखेगा? आज मेरी शादी है मेरे यार, आज मेरी शादी है मेरे यार, अरे लगता है कि आज पूरे संसार। सरदस के कहाँ जा रहा है? तू पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। ए मोटी आंटी, फर्स्ट टाइम लड़की देखने जा रहा हूँ और तुमने बीच में टोक दिया। तुमको समझ में नहीं आता, जब कोई हंसी खुशी जा रहा था तो उसे टोकते नहीं है, समझे मोटी आंटी? अरे तुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये गट्ठा उठा के रख। ए गीता, गीता, अरे रुक तो। अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे बात तो कर से। अरे 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 क्यों मार रही हो? ए गीता। ए लड़की क्या कर रही है? अरे 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 ओ सॉरी। सॉरी। ए गीता। अरे अरे कहाँ गई? भाग रही है, आज तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं। भैया Thank you.
वहाँ नहीं ढूंढा तो कहाँ इधर उधर घूम रही है? अरे मुझे मुझे भगाओगी क्या? देख आज तरह क्या हाल बनाती हूँ, इन्हीं पैरों से भागी थी ना, देख आज पैरों को तोड़ कर रखती हूँ। ये मुझे दीजिए, अब बताइए इसे क्यों दौड़ा दौड़ा कर मार रही है? अरे मैं क्या बताऊँ सीता, आज पहली बार इसे कहा था टमाटर की चटनी बनाओ, पर इसने क्या किया, जलते चूल्हे में मिर्ची का पाउडर डालकर आ गई। हाँ ऐसा काम करेगी तो कब सीखेगी? क्यों सच में मिर्ची पाउडर डाल दिया था? खाना बनाने बोलेगी तो फिर से मिर्ची डाल दूंगी। देखा सीता कैसी बातें करती है। अरे सरोजा चाची अभी अभी तो इसने पढ़ाई कंप्लीट की है, इतनी जल्दी कैसे सीख सकती है? सीखने के लिए थोड़ा तो टाइम दो चाची, जाइए जाइए अपने घर में जाकर काम खींचिए। ला मुझे, अरे अभी नहीं सीखेगी तो शादी करके जाएगी तो लोग चुप रहेंगे, इसीलिए इसके पीछे पड़ी रहती हूँ दिन भर। चला जा घर पे, आज तुम इसे छोड़। सॉरी यार मेरी वजह से तुझे ज्यादा मार पड़ी, और अगर मैं बीच में नहीं आती तो तेरी माँ तो तुझे मार ही देती। मैं मर जाऊंगी लेकिन खाना बनाना बिल्कुल नहीं सीखूंगी। हाँ चांदी की साइकिल सोने की सी। क्या हुआ बे, किस लिए आया है? जमींदार साहब से मिला था गोली भाई। रुक जा बुलाता हूँ। चांदी की साइकिल, चमक जा चमक जा चमक। अरे भैया किस लिए आए हो तुम लोग? जमींदार साहब एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर सबको खाना खिलाना तो थोड़े पैसे लगेंगे ना मालिक? थोड़ा सा पैसा क्यों ले रहे हो, ज्यादा ले लो। ए, मुफ्त में थोड़े ना देता हूँ पैसा तुम्हें, समझ में नहीं आया भाई? उस पैसे का ब्याज भी तो लेता हूँ ना। हाँ तो फिर कम पैसे क्यों, ज्यादा ले जाओ। ए गुल्ली। हाँ भाई। दे दो उन्हें पैसा। ठीक है भाई। भैया क्या है बे? आपके पिताजी आपको घूर के देख रहे हैं। हाँ यही सोच रहे हैं कि मैं इनका बेटा हूँ या नहीं। मतलब वो आपके असली बाप नहीं है क्या? हमें जो दूध देती है उस गाय को भी हम घास खिलाने के बाद पानी भी पिलाते हैं। और इसके अलावा माँ बाप का ख्याल नहीं रखने वाले बेकार में घूमने वाले बेटे को भी हम तीनों टाइम पेट भर के खाना खिलाते हैं। क्यों बताओ? जब हम मर जाएंगे तो मेरी चिता को आग लगाएगा इसी वजह से। वैसे भी तुम लोग मेरे दिए हुए पैसों पर ब्याज भरते हो ना, तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। ए गुल्ली दे दे ये ले लो और जाओ, फंक्शन अच्छी तरह से करना। ठीक है जमींदार साहब। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ नमस्ते जमींदार साहब। ठीक है जाओ। सुनिए कॉफी पी लीजिए। माँ अपने पति को समझा दो। क्या बेटा क्या करते हो ये सब, जब देखो आपस में झगड़ते रहते हो तुम दोनों। माँ ये बात अपने पति को समझाओ ना, सबके सामने रोज जब तक मुझे डांट नहीं लेते इनका खाना कहाँ हजम होता है। अगर इनका खाना हजम नहीं होता है तो इनको बोलो कि वॉकिंग पे जाए, बेकार में बैठे बैठे बस मेरी बुराई ना करा करे। क्या है जी ये सब? मैं बताता हूँ सुनो, मैं बेकार की जिंदगी जी रहा हूँ, इनके सर पे बोझ हूँ मैं, इनको मुझसे कोई फायदा नहीं है। ये सबके सामने कहते हैं कि इनकी चिता को आग मैं ही लगाऊंगा, इसलिए मुझे पाल रहे हैं और भर भर के मुझे रोज खाना खिलाते हैं। ए! ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे पिताजी हैं, उनके सामने इस तरह बातें करना जरूरी है? तुम्हारा पति सबके सामने मेरी इज्जत उतारता है ये अच्छी बात है? इनको समझाओ कि जब घर में जवान लड़का होता है तो उससे कैसे बात करते हैं। ठीक है मैं इनसे बात करूंगी, तुम्हें कहीं जाना था ना, जाओ ये लो जल्दी जाओ। क्यों जी ये सब बुलवा के तुम्हें खुशी मिल गई? क्या करूं जी, इकलौता बेटा है हमारा। हाँ। दिन भर बोर हो जाता है ना। हाँ। ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? इसका तो रोज का काम है, यही मिलता है। अबे चेले। हाँ भैया। अरे दुकान में कोई है क्या? हाँ क्या चाहिए? एक चेक शैम्पू दीजिए। चेले छोटा पैकेट नहीं बड़ा पैकेट लेने को बोले उसे, एक्स्ट्रा पैसा जो होगा वो मैं दे दूंगा। ए चुप कर सुकड़े, छोड़ ना रे, चेक शैम्पू क्या होता है उसे मालूम भी नहीं है, पागल है रही ये लोग, छोड़ना। अरे वो तो जा रही है भैया। अरे तू चल ना, ये तो पीछे पीछे आ रहा है। अरे अरे भैया, अरे भैया इतनी भारी गाड़ी मैं कैसे चलाऊंगा। अरे जरा रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे ये तो बात करने पे आ गया, चल चल निकल यहाँ से। क्या है बे? सुनो तो, बहुत भारी है भैया। ओ भैया सुनो, सुकड़े तेरी वजह से लड़की निकल गई, चल
अरे भैया, अरे रे, मैंने जो बूस्ट और हार्लिक्स खाकर बॉडी बनाई थी सब निकल गई भैया। क्या बोल रहा है सुकड़े? भैया धक्का 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 मार के मेरी सारी बॉडी पिचक गई भैया। क्या हुआ भैया, लड़की मिली क्या? नहीं मिली, मगर जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल मैं उसे पाकर ही रहूंगा। आज मुर्गा खाया बड़ा मजा आया, अब निकालने जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? कैसे हो मेरे भाई? अब तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन अब तेरा चेहरा देख लिया ना तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। ए भाई, मेरे पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? अबे मेरे गुस्से को जाने दे, तू कहाँ जा रहा है ये बता। भाई पेट खाली करने तालाब के पास जा रहा हूँ। पेट खाली करने तालाब के पास? तुझे कुछ कागज दूं क्या? तेरे लोटे में पानी तो बचा नहीं है, या मैं भी तेरे साथ तेरे पीछे चलूं बता? नहीं 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 भाई, नहीं। चुपचाप निकल यहाँ से, खड़े खड़े तू मुझसे पंगा लेगा ना तो जो तू तालाब के पास करने वाला है यही निकल जाएगी। तो आ यहाँ से। पागल, दुनिया में बेवड़ों की कोई इज्जत नहीं है। मुर्गा इधर भिड़ रही है, तू जाए ना, मैं अपना काम करूँ। ए भूदेवी, पढ़ी लिखी तो तू है नहीं, अरे कम से कम ठीक से कपड़ा तो धोया कर। अरे तू अपना काम करना। पोस्टमैन जी, मेरे पति का कोई लेटर आया है क्या? पहले तेरी डिलीवरी तो हो जाने दे, तब वो आएगा और उसका लेटर दिल्ली मुंबई घूम रहा होगा। चल जा अब अंदर। पागल हो गया लड़का या लड़की, पोस्ट ऑफिस में आके बता देना, तेरे पति को बता दूंगा। ये शिवा कहाँ रह गया, मेरी स्कूटर लेकर गया, अभी तक लौटा ही नहीं। चलो हाँ, नाम क्या है? लिखिए, इसका नाम गीता है। और उम्र कितनी है? उम्र 25 साल। अच्छा, क्या हुआ इसको? इसको खांसी है और इसके अलावा थोड़ी छींक भी आती रहती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नंबर 25 का होगा, जल्दी करिए, हमें वापस घर जाना। सरोजा आंटी, अंदर आइए, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। जी गीता, उम्र के अलावा कुछ और? अरे बाप रे, अरे कहाँ चला गया, अभी तो यही था। गीता हाँ, वहाँ क्या देख रही है? आ अंदर आ जा। हाँ हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ माँ। अरे बाप रे, कैसा हॉस्पिटल है। सरोजा आंटी, इस जरा रुकिए ना। ये दवाइयाँ आपको देनी थी, ये वाली खांसी की है और ये बुखार की है। अच्छा। ये सुबह दीजिएगा, ये वाली खाने के बाद दोपहर में, और ये खाने के बाद रात में। गोली खाने के बाद रात में आराम से सो जाना, टाइम से दवाई लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ए कंपाउंडर। हाँ हाँ सरोजा आंटी। इसका चेहरा क्या देख रहा है, वहाँ दवाई लिखी है? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं पहले सीधा सीधा दवाई देना। हाँ ठीक है आंटी। खड़ा हो गया 32 दिखाने के लिए, चल रहे। अच्छा ठीक है, चल गया। नमस्ते। अरे तू सही टाइम पे खाना नहीं खाती हो ना, इसलिए ऐसी हो गई। कुछ नहीं होगा सरोजा चाची, ये ठीक हो जाएगी। सीता देख रहे हैं कितनी दुबली हो गई है। चलिए ना, गाड़ी तो यहीं पर है, ये कहाँ चला गया? कौन सी बीमारी आई है क्या पता, इसका चेहरा देख कितना उतर गया। हो जाएगी, आप चिंता क्यों करती हैं? किसकी नजर लगी है पता नहीं। बेटी हाँ? नारियल पानी पियोगी क्या? नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। अरे पी ले, अच्छा लगेगा। नहीं पीना है। ठीक है घर चलो, घर में गर्म गर्म खीर बना के देती हूँ। अरे हमारे जमाने में ऐसा काढ़ा पिलाते थे कि बाद में कोई बुखार ही नहीं आता था। नारियल पानी पीना है। ये क्या है गीता, पहले नारियल पानी के लिए पूछा तब तूने तो मना कर दिया था, अब तुझे नारियल पानी की याद कैसे आ गई? तब पीने का मन नहीं था माँ, लेकिन अब पीने का मन है। ठीक है चल। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आओ, हम दोनों चले जाएंगे, तुम घर चली जाओ। ए, पता नहीं क्या कहती रहती है लड़की। ये ले पैसे, नारियल पानी पी के घर चली आना। गीता, आजकल हम जैसी लड़कियों को रोड में अकेली घूमने के लिए भी डर लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों, अपने पीछे देख, जैसे गाड़ियों के पीछे आवारा कुत्ते पड़ते हैं वैसे ही ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लड़के होते ही ऐसे हैं।
वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ए, क्या है, तू इस लड़के का सपोर्ट क्यों कर रही है? हम दोनों नारियल पानी पीने आए थे ना। वो तो बस बहाना था। अच्छा, वो तुम्हारे हार्ट को डायल कर रहा है और तुम्हारी रिंग नहीं बज रही है क्या? रिंग के साथ वाइब्रेट भी हो रहा है। तो रिसीव क्यों नहीं करती हो? पहली बार अननोन नंबर से कॉल आता है तो कैसे रिसीव करूं? कोई बार बार मुझे कॉल करेगा तभी तो लगेगा ना कि कोई अपना मुझे कॉल कर रहा है। आंटी ने कहा कि तूने चूल्हे में मिर्ची डाल दी है तो मुझे लगा तो बिल्कुल पागल ही हो गई, लेकिन अब लग रहा है तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। समझ गई समझ गई, चल अभी। ए, नारियल एक लो या दो, या तुम्हारी माँ के लिए भी चाहिए? अरे मुझे नहीं चाहिए यार, चल यहाँ से। क्या है बे? रोज सुबह पाउडर ऑर्डर लगाकर उसके जाने वाले रास्ते में बैठ जाते हैं और उसको नजर भर कर देखते रहते हैं, लेकिन वो आपको नजर उठा के भी नहीं देखती। ये एक तरफो प्यार आपका कब तक चलेगा? अबे चुप कर। आ गई बॉबी। अरे ये तो यहीं पे बैठा हुआ है। मैंने बताया था ना, सारे लड़के आवारा कुत्ते होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। चल ना अपने घर वापस चलते हैं। इसे क्या डरने का, उसे बैठा रहने दे, हम चलते। सुनिए जरा रुकिए। ये क्या है आपका, क्यों आप मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? क्या बोल रही हैं आप, जब बिजली कड़कती है तो बारिश तो होती है ना, इतना भी नहीं समझती हो तुम? जब एक लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा। हेलो, बिजली कड़कती है तो बारिश तो होती है, जब एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ता है तो क्या होता है मुझे पता है, मैडम ने बताया है मुझे, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल सीता। फिर से कचरा करके चली गई। तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना। ओहो, तुम लोग यहाँ पे हो, मैं तुम सब लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या हुआ बे? तुम लोगों को शादी का कार्ड देना था। शादी किसकी है? मेरी है। अबे क्या बक रहे बे मोटे? हाँ, अगले सोमवार मेरी शादी का मुहूर्त निकला है, सब लोग शादी में आ जाना, शादी में आना भूलना नहीं। नहीं भूलेंगे मोटे, शादी में नहीं आए तो सुहागरात में जरूर आ ही जाएंगे। अबे मोटे, हम खाने की बात कर रहे हैं, तू गलत क्यों समझ रहा है? मैं भी उसी की बात करने आया हूँ, तुम लोग टाइम पे खाना खाने आ जाना, अगर टाइम पे नहीं आए तुम लोग का खाना कुत्तों को खिला दूंगा, आना भूलना मत। हाँ अबे इसकी तो दे इधर। ए, अरे थू, ए पागल हो गया, क्या कर रहा है? क्या देख शिवा, कैसे हमें वो धोखे किया है, क्या बोल रहा था वो कमीना, जैसे उसकी शादी के खाने के लिए हम सब मरे जा रहे हैं। ए, मतलब तू शादी में नहीं जाएगा? इतनी बेइज्जती के बाद दूसरे गांव में शराब का खाना खाने चला जाऊंगा मैं, लेकिन इस गधे की शादी में हम में से कोई नहीं जाएगा, सुन लो। ए, तुझे शादी में नहीं जाना है तो मत जा, मैं और शिवा जाएंगे, है ना शिवा? ए शिवा, शादी में गीता भी आएगी, मंगलसूत्र पहना देना और मंडप के नीचे सबसे आशीर्वाद ले लेना, शादी का खर्चा बच जाएगा, क्या बोलता है? ए शिवा, वो कैसे होगा यार? क्या कैसे? अबे क्या क्यों पूछ रहा है, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये बात तो मैं जानता ही नहीं हूँ भाई, बस एक बात है कि जब भी वो मुझे मिलती है तो आंखों में आंखें मिलाकर एक स्माइल देती है, लेकिन इसका क्या मतलब हो गया, इशारा करती है, देख के हंसती है, मेरे लिए रुकती भी है, खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं ये मेरे से पूछती है, सिर्फ इतना ही नहीं साइकिल चलाते चलाते स्माइल देती है और सीधे अपने रास्ते चली जाती है। बता मैं इसे क्या समझूं यार? इसका मतलब प्यार हो गया उसे तुझसे। अबे ऐसा ही समझकर तुम एक बार बकरा बन गया था। अबे तू अकेले ही बकरा नहीं बना भाई, तेरे साथ साथ वो लड़की भी बकरी बन गई है। पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो, लेकिन तुझे डरना चाहिए उस हिरनी जैसी लड़की गीता से नहीं, उसकी शेरनी जैसी माँ से, क्या बोलता है तू? ए शिवा, वो सोच रही है कि तू पहले बोले, पता है क्यों? क्योंकि लड़कियां शर्माती हैं, वो सोच रही है तू कहेगा और तू सोच रहा है कि वो कहेगी और ऐसे ही टाइम बीत जाएगा, तू इंतजार करेगा, गीता भी इंतजार कर लेगी, लेकिन सरोजा आंटी वो ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली, समझ गया ना? गीता का वेट मत कर, तू ही पहले बोल दे। क्या मैं? नहीं नहीं, आप उनसे नहीं होने वाला ये सब। क्या बे, हिम्मत नहीं हो रही है? एक क्वार्टर कटक ले, अपने आप हिम्मत आ जाएगी तेरे में, ज्यादा देर मत कर शिवा, लोहा गर्म हो तो उसे मोड़ सकते हैं, प्यार करता है तो तुरंत बता दे उसे, जरा भी देर मत कर, चल मेरे साथ, उसे आज ही बता दे, चल। ठीक है। चुपचाप चलो, जग ना जाए। ए, आवाज मत करना, समझे? ए शिवा, शिवा मेरे को बहुत चढ़ गई है यार।
हे कंपाउंडर, ये देखना चाची का सोई है। शिवा, तू इशारे को समझ जा यार, तेरे लिए दरवाजा खुला रखा था उसने। हे शिवा, अभी भी डर लग रहा है क्या? अरे ये पहली बार कर रहा हूँ ना। पहली बार, अब जल्दी से घुस जा, वो है लड़की का रूम। रूम कैसे पता चलेगा यार, बहुत अंधेरा है। ये शिवा, नहीं दिख रहा है तो दिया जलाऊं क्या? हाँ, सही सही। सरोजा दीदी को उठाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बेटी का कमरा कहाँ है। धूप, अरे ये रही तो। छोटा क्यों? सब लोग चुप रहो। मैं हूँ। स्मेल आ रही है। मुझसे गलती हो गई, तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो मेरे दोस्तों ने बोला थोड़ी सी क्वार्टर पी ले, हिम्मत आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी टेस्ट कर ली और यहाँ पे आ गया। देखो, माँ उठ गई तो महाभारत शुरू हो जाएगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे अभी अभी तो हिम्मत आई है। कल सुबह तालाब के पास मिलो, तब बताती हूँ, अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, कल मिलने आओगे तो दारू पीकर बिल्कुल भी बताना। ए गीता, क्या आवाज आ रही है वहाँ से? कुछ नहीं माँ, मैं पानी पीने के लिए आई थी। मुझे कुछ कहना है। हाँ? मैं पास आऊँ क्या? और पास आना चाहते हो? और पास आऊँ क्या? गीता, एक बात बतानी थी, मतलब ये अभी जो उसको बोल रहा है वही मुझे कल बोलना था। दरअसल ऐसे लोगों को देखकर ही मुझे हिम्मत की जरूरत थी, इसलिए थोड़ी क्वार्टर मार ली। हा? ये क्वार्टर बंगला बाद में, मेरी माँ मेरी शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढ रही है, देखने में अच्छा नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन उसके पास नौकरी होनी चाहिए। हा? एक लौती बेटी हो ना, इसलिए अच्छा खानदान ढूंढ रही है माँ। अरे इसने तो आग में पानी मिला दिया। मैं माँ से बात कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे पास नौकरी नहीं है ना। और वैसे भी तुम्हें नौकरी देगा कौन? तुम्हारी जगह अगर मुझे नौकरी लग जाती है तभी हमारी शादी हो सकती है। ए शिवा, जल्दी से बोल, तू बोलता है कि मैं आकर बोलूं? इसकी तो मुंह बंद करके बैठना। गीता, वो अगर पैसे ना हो तो शादी के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तुम भी एक बार सोच लो इसके बारे में। अच्छा मैं चलती हूँ। हे गीता, ए, रुक 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 रहा हूँ ना यार। अरे रुकना यार, क्यों दे रहा है? ओहो, हाय, खाना हो गया? हाँ हो गया। और तुम्हारा? हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम दारू नहीं पियोगे, फिर से क्वार्टर मार कर आ गए और इतनी बहादुरी से मेरे सामने खड़े भी हो। पानी में नहाने से पहले ठंड तो लगती है ना। मतलब एक तो मेरी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, या फिर तुम जिसे चाहती हो उसके साथ शादी करने के लिए, तुम्हारी माँ से बात करने के लिए उसके पास नौकरी होनी चाहिए, बराबर ना? हाँ बराबर। ठीक है, मानता हूँ, बात तो बिल्कुल सही है। लवर? हाँ? नहीं नहीं, वो बात छोड़ो। एटलीस्ट फ्रेंड तेरा हो गया तो चले। तुम एक बात बताओ, हमेशा अपनी टांग क्यों अड़ा देती हो? एक कंपाउंडर सीधे सीधे बात किया करना, और हमेशा मुझसे ऐसे गुस्से में बात क्यों करता है तू? दूसरों की बात अलग है, तुमसे मैंने कब गुस्से में बात किया तुम ही बताओ। हाँ? ए चल, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल, इसके अलावा इसे आता क्या है, तू चल। बड़ा आया कंपाउंडर। गीता, अरे हेलो। हाँ क्या? क्यों बे, क्या हो गया, तेरा चेहरा अचानक क्यों उतर गया? जीजाजी का किडनी का ऑपरेशन करवाना है यार। तो क्या वो लोग किडनी मांग रहे हैं क्या? अरे किडनी नहीं यार, दवाइयां मांग रहे हैं। दवाइयों का खर्चा ही कम से कम 10-12 हजार रुपए होगा। हाँ तो दे देना फिर। कहाँ से दे दूँ यार? अबे कहाँ से क्या, तेरे हॉस्पिटल से दे दे। यार वो मेरे घर का हॉस्पिटल नहीं है, गलती से पकड़े गए तो लफड़ा हो जाएगा। अबे कैसे पकड़ा जाएगा यार? डॉक्टर डॉक्टर, आज हम आपके हॉस्पिटल में चोरी करने जा रहे हैं, ऐसा बोलेगा क्या तू? नहीं ना, तू बस हाँ बोल दे, यही सही टाइम है, तू हाँ बोल दे यार। हेलो, क्या कहा? सही टाइम है, सही टाइम है, इसका क्या मतलब? मतलब अभी अंधेरा हुआ है ना, यही एकदम सही टाइम है। अबे तेरे तो 10 हजार रुपए बच जाएंगे, जरा सोच के देख ले कंपाउंडर। देख यार, तू है इसीलिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। हाँ बचा लेना, चलना चल।
अबे क्या है बे? ए शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डर रहा है तू? चल जा यार, मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चल जा। यार, मैं हूं ना, तू जाना भाई। अगर कोई आ गया तो? अबे तू जा बे। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा। हे भगवान, बचा लेना मुझे। हे बजरंगबली, सहायता। जा जा जा, चल। ठीक है, जाता हूँ। हे भगवान, बचा लेना, मैं पहली बार चोरी कर रहा हूँ, मुझे बचा लेना, मेरी मजबूरी थी, जिया जी के लिए चोरी कर रहा हूँ। ए शिवा, सर, तुम्हारी वजह से वो पकड़ा गया, बदमाश। न जाने कितने दिनों से वो कंपाउंडर चोरी कर रहा था, भगवान जाने। वो मेरी नाक के नीचे हॉस्पिटल में चोरी करता रहा और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन तुमने उसे पकड़वा दिया। अच्छा शिवा, परसों तुम हॉस्पिटल में आए थे तो कुछ कहना चाह रहे थे ना, क्या बात थी वो? वही सर, आपके पास एक लड़की के लिए नौकरी की बात की थी ना, ये वही लड़की है सर। हेलो। नमस्ते सर। धोखेबाज। अच्छा, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? नर्सिंग फाइनल ईयर, लेकिन फेल हो गई। फेल पास कुछ नहीं होता है। अच्छा जाने दो, तुम मेरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, खूब मेहनत करो, पास होके दिखाओ, ठीक है ना? मैंने आज तक चोरी नहीं की, इतना अच्छा कंपाउंडर था मैं, इस लड़की के लिए इसने ये सब कुछ किया, कमीना कहीं का। अच्छा चलते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अब तो खुश हो ना? हाँ। ए शिवा, अबे तेरे, अबे यार, ये क्या किया तूने मेरे साथ? अबे प्रेमी लोग प्रेम की दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसमें कंपाउंडर की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, एक्स कंपाउंडर की क्या जरूरत है? चल साइड हो जा। पता नहीं लोग कबाब में हड्डी क्यों बन जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो। शिवा तुम पहले बोलो ना। तुम ही बोल दो ना गीता। प्लीज शिवा तुम बोलो ना पहले। नहीं पहले तुम बोल दो गीता। वो क्या है कि वो मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं ही पहले बता देता हूँ। अबे जले हुए मछली की तरह चेहरा क्यों बनाकर बैठा हुआ है? गीता को देखने के बाद हमारा चेहरा मछली की तरह ही दिखेगा तुझे। हा? वो जैसी तुझे नजर आ रही है ना वैसी है नहीं। अबे क्यों तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो यार? हाँ शिवा, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। उस लड़की को जब पटाना था तब तो तुझे हमारी जरूरत थी, लेकिन अब क्या, अब वो लड़की तुझसे पट गई है, अब हम सब तेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है। लड़की मिली तो दोस्त गायब। हम लोगों ने भी तो मदद की थी तेरी। बस बहुत हो गया, दुनिया में कोई भी ऐसी मदद नहीं कर सकता। ऐसी कोई मदद की है क्या तुम लोगों ने? तुम लोगों का एहसान चुकाने के लिए प्यार में मार खा जाता है, ऐसा कोई दोस्त तुमको मिल सकता है क्या? क्यों कंपाउंडर, क्या बोलता है? अबे हाथ हटा बे, लड़की के फ्यूचर को बनाने के लिए तूने मेरा फ्यूचर डैमेज कर दिया, तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला कंपाउंडर, इसके लिए तो चल मैं तेरा एहसान मान सकता हूँ, इसके अलावा मार खाया तो उसके लिए भी धत तेरी। ए शिवा ये बिल्कुल गलत बात है। ये सही टाइम है, जब तूने ऐसा कहा था ना तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, बैड टाइम शुरू होने वाला है। अबे क्या हो गया यार? अच्छा तुम लोग लव स्टोरी की फिल्में देखते हो क्या? पुरानी फिल्मों में प्यार के लिए हीरो अपनी आंखें खो देता था और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोई बात हो गई क्या? अरे प्यार में क्या क्या कुर्बानियां देते हैं लोग। अच्छा दूसरी बात बताता हूँ, अपना वो श्रीनगर का किट्टी, उसका तो पैर टूट गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना माधेश्वर का योगी है ना, उसका तो लेफ्ट साइड का कान ही खराब हो गया, तो उसको बोली जाती है हेल्प। प्यार के लिए मैंने नौकरी खो दी, मैंने मार खाया, अरे इसे भला कोई हेल्प बोल सकता है क्या? अच्छा अगर ये हेल्प है तो वो क्या है? ए सीढ़े, फिल्में देखनी है तो लव स्टोरी वाली फिल्में देखो, लड़ाई झगड़े वाली फिल्में देखने से क्या होगा? हमेशा फाइटिंग वाली फिल्में देखते रहते हो ना। फ्रेंडशिप क्या होती है, कुर्बानी क्या होती है, ये अगर जानना है तो लव स्टोरी वाली फिल्में लाकर देखा करो, नहीं तो तुम्हारा जीना वेस्ट है। चल भाई अब मैं तो चलता हूँ, अपन की नर्स वहाँ पे अपना बेसब्री से इंतजार कर रही है, मैं तो भाई प्यार में पूरा बिजी हो गया हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू देख रहा है ना? हाँ। मेरी नौकरी खाने के बाद ये मुझे ही ज्ञान दे रहा है। जाने दे जाने दे, बाद में देख लेंगे इसे, अभी प्यार में डूबा हुआ है ना इसलिए हम नहीं दिख रहे इसे। वो जब छोड़ के जाएगी ना तब हमारे पास आएगा ये, तब दिखाएंगे इसे कि हम लोगों की फ्रेंडशिप क्या होती है। नमस्ते भाई। आ, 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 आ,
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से इंसानों की शादी देखी है, लेकिन पहली बार एक जानवर की शादी देख रहा हूँ। जाइए जाइए, खाना खा लीजिए। उधर क्या दिख रहा है? सामने देख। कहाँ गया होगा? अभी तक आया क्यों नहीं? क्या बात है, आज कितनी खूबसूरत लग रही है, करंट लग गया। इस नई साड़ी में तो ये बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही है। ए, क्या सुन रहा है? महक रहा है वे। हाय। हाय। इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मैं खूबसूरत हूँ इसलिए तो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर मैं बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। हाँ? तो फिर मुझसे क्यों प्यार किया तुमने? लव इज ब्लाइंड शिवा, इसलिए तो प्यार हुआ। मतलब मैं सच में अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? अरे मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। अरे अरे कितनी सुंदर है, मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे तो किस्मत खुल गई। अब इस खुशी में वो दोगी इधर आ। Hey! वो किस की बात कर रहा था, तुझे पता नहीं क्या? तुझसे तो किस नहीं मांग रहा है ना, मुझसे मांग रहा है। तू टेंशन मत ले, जब देखो टांग अड़ाती रहती है। वो कंपाउंडर कह रहा था कि मैं सबके काम में टांग अड़ाती हूँ, अब ये भी कह रही है कि मैं सबके काम में टांग अड़ाती हूँ। क्या मैं सच में सबके काम में टांग अड़ाती हूँ? कन्या वर को माला पहनाइए, वर कन्या को माला पहनाइए। क्या चले कल मैं दूंगा तेरी, तो चल भाग यहाँ से। गीता एक किस दे दो ना। हाँ लेकिन यहाँ सबके सामने। ठीक है लेकिन एक शर्त पे, पहले जाके मेरे माँ के पैर छू कर आओ। ठीक है आओ। रोज रात को मछली बनाना। ओ, 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 क्या बात है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है। हाँ चमक रहा है तो अब गांव का उद्धार हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो सरोजा चाची? और नहीं तो क्या, इतना काला हाथी जैसा दिखता है तू, टमाटर जैसी लड़की से शादी कर रहा है। हाँ? क्या बोलती हो, कैसी लग रही है हम दोनों की जोड़ी? बहुत ही अद्भुत। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे 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 तू क्यों मेरे पैर पड़ रहा है? माँ ये शिवा है, इन्होंने मेरी नौकरी लगवाई है। अच्छा, इसने लगवाई? तो फिर तो मुझे इसके पैर पड़ने। माँ जी आप तो मुझसे बड़ी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी मैं 5 मिनट में आता हूँ। भगवान तेरा भला करेगा। चलो ना पंडित जी, जल्दी से मंगलसूत्र पहना दो नहीं तो दोनों अंदर भाग जाएंगे। तुमने तो माँ से बड़ी हिम्मत से बात की। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भैया क्या है, वो लड़की आपसे भी प्यार करती है और उस लड़के से भी प्यार करती है क्या? वो दोगी। ए, खड़े खड़े फालतू की बातें क्या कर रहा है तू, चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। सुनो भैया मुझे तो लगता है वो खाली पीली आपको बेवकूफ बना रही है। तो चलो अभी तो एक किस दे दो। जरा इधर आओ। एक नहीं दो दूंगी, लेकिन तुम मेरा एक और काम करोगे? क्या एक और काम? ठीक है बोलो क्या करना है मुझे। वो जो दूल्हा है ना उसे जाकर गुदगुदी करके आओ। उसको? अरे यार ऐसा करूंगा तो उसकी शादी रुक जाएगी। तुम्हें पप्पी चाहिए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। हे भगवान। ठीक है लेकिन बाद में बात से मुकरना मत। हाँ हाँ ओके ओके दूल्हे जाओ जाओ। करो ना। क्या यार तुम्हें? अरे करो ना प्लीज, जल्दी करो ना। अरे यार दोगी ना, इसकी शादी का क्या होगा? बहुत दिनों के बाद सुंदर लड़की से मेरी शादी होने जा रही थी, खाना खा के चुपचाप चले जाना था लेकिन सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे किसने कुछ को देखी थी मुझे रे? इसको तो
मेरी शादी नहीं होने दी, इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी। अब सब गया, मेरा तो सब कुछ टूट गया रे। पहली बार मुझे बियर जैसी फुल बोतल वाली नशीली सुंदर लड़की मिल रही थी। इस टाइम मैं लोटा भर भर के दूध पी रहा होता, लेकिन मुझे दारू पीना पड़ रहा है। किसने गुदगुदी की थी मुझे, अगर मुझे मिल गया उसकी तो। अबे मोटे, क्या तुझे इतना भी नहीं पता है? हम जब भी पार्टी करते हैं 5 बोतल एक साथ लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ 4 बोतल है। 1 बोतल वाला आदमी गायब है। कौन है बे वो? अपना जीवा है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो उसके बारे में तुम? वो तो अपना जिगरी दोस्त है। यस मिस्टर मोटे दूल है, वो अपना दोस्त, अपना यार, अपना जिगरी यार वो शिवा ही है। चोरी क्या होती है ये मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। अपनी आइटम के लिए उसने मुझसे मेरी कंपाउंडर की नौकरी तक छीन ली। मैं चोर हूँ, चोर होने का कलंक उसने मेरे माथे पे लगा दिया। तू ही बता यार, क्या मैं चोर हूँ? बोल यार, क्या मैं चोर हूँ? सीढ़ी तू बोल, क्या मैं चोर हूँ? ए मोटा भाई, पुलिस के कुत्ते ना सूंघ के चोर को पकड़ लेते हैं। मैंने भी अच्छा शैम्पू लगाया था ताकि बाल महके मेरा। अच्छा शैम्पू लगाकर अच्छे साबुन से रगड़ के नहाया था, लेकिन मैं अपना अभी पसीना भी नहीं सूंघ पा रहा मोटा भाई। मैं नौकरी नहीं करता था, फिर भी 3 टाइम खाना देता था मुझे मेरा बाप। जो पिक्चर बाहर रिलीज नहीं होती थी वो मेरे घर में रिलीज होती थी। उस घोड़े वाली सीडी को जब मैं देख रहा था तो मेरे बाप ने चप्पल से मारा था मुझे। जानते हो, मैं इस वजह से अपने घर में भी नहीं जा पा रहा हूँ। इसका कारण है शिवा, वो फ्यूज भी उसी ने निकाला था। अरे यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना होगा। हाँ सही है, कहीं अगर वह मुझको मिल गया तो उसको काट डालेंगे। कौन हो बे तुम लोग? एक दो तीन चार पांच छः, मुझसे ये सब भागम दौड़ी करना नहीं होने वाला। तो चलो खेलते हैं कबड्डी। अभी अभी तो मैं फिल्म देख के आया हूँ, इसलिए कबड्डी खेलने के मूड में तो नहीं हूँ। लेकिन तुम लोग हो कौन और मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? बताओ कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, बताओ। वापस कर दे वो, देख तोड़ना मत, मुझे वापस कर दे वो, दे दे मुझे, दे। दोस्त ज्यादा बन जाते हैं तो आलसी बन जाते हैं, दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं, और जब प्यार का मामला आता है तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। अबे तुम लोगों को मारने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए, आ जाओ आ जाओ।
आगे पीछे वालों की कोई फिक्र है कि नहीं? क्यों इतना झगड़ा करते रहते हो, पागल हो तुम? अरे मेरे आगे पीछे भला इस दुनिया में कौन होगा? कोई नहीं है मेरा, अनाथ हूँ मैं। बोले तो मेरे माँ बाप नहीं है, अनाथ हूँ ऐसा कह रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मुझे डर लगता है ना। अनाथ हो ऐसा क्यों समझते हो तुम? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, माँ बाप भाई दोस्त सब मैं ही हूँ ना तुम्हारे लिए। कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। गीता, हम लोग मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे ना? हाँ शिवा, हम आखिरी सांस तक एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखो। हे नर्स। क्या है? आखिर तूने अपनी नर्स गिरी दिखाई दी ना। कुछ भी, पागल हो तुम। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाय, हेलो, हाय, बाय। क्या हुआ? हाय बोलता हूँ तो बाय बोलती हो, लव यू बोलूंगा तो लव यू टू बोलोगी? देखो तुम मुझसे इस तरह की बातें बिल्कुल मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बात हुई, मुझे देखकर स्माइल देती और जाकर उस भिखारी के साथ सेट हो गई? क्या नौटंकी मचा रखी है तुमने। जब से तुमको देखा है ना, खड़ा हो पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना जाग पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा तुमसे इतना प्यार कैसे हो गया। एक लड़का एक लड़की को पागलों की तरह प्यार करता है, उसके पीछे पागल है, लेकिन उस लड़की को उसके प्यार की कदर ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही होगा, समझ गई? मेरी एक और बात याद रखना, मुझे छोड़कर उससे या किसी और से तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। आप हाँ बोलो, उसकी छुट्टी कर देता हूँ मैं, मेरा हॉर्लिक्स बूस्ट सब कुछ वेस्ट हो रहा है। अपना मुंह बंद कर बे, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ए, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे चुटकी बजाते ही लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। उसे मारेंगे लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि मौत सामने खड़ी है, जिससे वो मेरी आइटम के साथ दोबारा ना घूमे, समझ गए ना? ए, हाँ जाके दरवाजा ठोक। अभी ठोकता हूँ, आज बचेगा नहीं मुझसे वो। आज तो बचेगा नहीं तो। इतनी रात कौन हो सकता है? अरे गीता तुम? हाँ मैं ही हूँ। मतलब मुझसे पहले कोई और आने वाली थी क्या? अरे नहीं नहीं गीता, तुम तो 8 बजे आने वाली थी ना, तो इतना लेट कैसे हो गया ये पूछ रहा हूँ। अरे वो माँ थोड़ा लेट से सोई ना इसीलिए। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। इतनी रात को आई हो, अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो गलत समझेगा। एक काम करो अभी घर जाओ, हम कल मिलते हैं। हाँ ये सही कह रहा है, इतनी रात को कोई हमें देखेगा तो गलत सोचेगा। देखो गीता ये फिर से बीच में अपनी टांग अड़ा रही है। वो क्या है कि तुमसे कुछ पूछना था मुझे। अरे मैं कल सुबह मिलता हूँ गीता, तभी सारी बातें कर लेंगे, अभी तुम जाओ। लेकिन वो। अरे जाओ गीता। अरे वो मैं। जाओ बोला ना, चलो। प्लीज। ओहो, जाओ ना। एक तो वैसे भी तुम्हारी माँ का मुँह बहुत चलता है, अगर उसने इतनी रात को हम दोनों को ऐसे साथ में देख लिया ना तो जानती हो पूरे गाँव में ढिंडरों पीटे बिना रहेगी नहीं। शिवा कुछ जरूरी बात है। अरे तुम चुप रहो गीता, जाओ। चलना। लड़कियों को लड़कों की सारी बातें नहीं माननी चाहिए। जाओ। डॉक्टर आराम से चल रहा है, बस 2 मिनट ठीक हो जाएगा। बोलिए मिस्टर आनंद। एक ऑपरेशन करना है। इमरजेंसी है। सुनो गीता। उसकी ड्रेसिंग करके बैंडेज लगा देना।
तुम्हें खुशी हो रही है या तुम्हें दुख हो रहा है? मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाल बाल पच गया वो, नहीं तो मेरी जगह तेरा हीरो यहाँ होता। बताइए ये सब कैसे हुआ? उसी को मारने का प्लान था, लेकिन अंधेरे में उसे मारने के बजाय उन लोगों ने मुझे ही मार दिया। उसका नसीब अच्छा था इसलिए बच गया। इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार उसके बचने का चांस ही नहीं है। ये सब क्यों किया, किसलिए किया, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये सब यही खत्म नहीं होने वाला, ये तो बस शुरुआत है। समझ गई ना? दो रूप की रानी और मैं तेरा राजा। तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं रानी की तरह रखूंगा, लेकिन अगर तूने उस भिखारी के साथ शादी की तो उसे जान से मारकर तुम्हें विधवा बनाकर तुम्हारे साथ शादी करूंगा। याद रखना मेरी बात। क्यों बेटा, कैसे हुआ ये सब? माँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। माँ वो देखो, वो रही लड़की, गीता। अपना ख्याल रखना बेटा। बहुत प्यारी हो, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। हे लड़के, हाँ? तेरी माँ नहीं है क्या? कौन है रे नाला यार, मेरी बेटी को दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो मच्छी के जैसा पीस कर दूंगी। अरे सिल्ले, तुम यहाँ कैसे, क्या काम है? जमींदार साहब ने तुम्हें अपनी हवेली पे बुलाया। क्यों बुलाया? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने बोला था बोल दिया। हे भगवान, चलता हूँ, जोर से मारा रे। जाके मालिक को बता देना मैं आ रही हूँ। बोल दूंगा बोल दूंगा। हाँ, उन्होंने माँ को क्यों बुलाया है? अरे ओ गीता, ये खड़े खड़े क्या सोच में डूबी हुई है? अब तुम्हें काम पे जाने को देर नहीं हो रही, चल जा जल्दी जा। पता नहीं मालिक ने क्यों बुलाया। आखिर क्यों बुलाया होगा मालिक ने? मैंने तो इनसे कोई पैसे भी उधार नहीं लिए। आओ सरोजा बहन। अरे आओ ना सरोजा बहन। बैठो। अरे बैठ जाओ बहन। रहने दीजिए जमींदार साहब, ये बताएं मुझे क्यों बुलाए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बुलाया है। अरे सुनो। क्या है जी? सरोजा बहन आई है, एक कप कॉफी लेकर के आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। मालकिन को भी बुला रहे? अरे सरोजा बहन, शर्मा क्यों रही हो, खड़ी क्यों, बैठो ना। अरे दीदी खड़ी क्यों हूँ, बैठ जाओ ना। वो क्या है सरोजा बहन, अगर आपकी इच्छा हो तो आपकी बेटी गीता को हम इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। सरोजा बहन, किस सोच में पड़ गई हो तुम? सरोजा दीदी, सरोजा दीदी, ये आप क्या सोच रही हैं? इतने बड़े घर में मेरी बेटी बहू बन के आएगी? तुम मेरे सामने कुर्सी पर बैठने के बारे में सोच रही हो ना सरोजा, या फिर तुम तुम्हारी बेटी को मैं इस घर की बहू बना रहा हूँ इसके बारे में सोच रही हो? क्या करूं सरोजा बहन, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करने लगा है। बच्चे अगर एक दूसरे से प्यार करने लगे तो बड़ों का फर्ज है कि उनकी शादी करवा दें। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो शादी का मुहूर्त निकलवा कर दोनों की शादी कर देते हैं। क्या कहती हो सरोजा बहन? अरे क्या कहूँ समधी जी, कर देंगे। मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा तो क्या मुश्किल है, हा? क्या कर रही है? अरे
समदन जी, आप तो ऐसे पत्थर के जैसे खड़ी हो गए। ये कॉफी वॉफी पी के मुझे बदहजमी हो जाती है, इसलिए पेट को ठंडा रखने के लिए थोड़ा सा छांस लेकर आओ। जल्दी लेकर आना समदन जी। अरे भगवान, किसके नसीब में क्या क्या लिख देता है क्या पता। टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। रहने दो। पालक कैसा? 20 रुपया। वाह, अरे डरती है ना? डर गई क्या? ऐसे कोई आता है क्या? रात में मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम आई क्यों नहीं? अरे बाबा, मैं जल्दी सो गई थी। तो बताना चाहिए था ना। कैसे? सपने में आकर? एक मैसेज कर सकती थी, गुड नाइट लिखकर। अरे कैसे मैसेज करती, मुझसे पहले तो वो सो गया था। मतलब फोन स्विच ऑफ हो गया था। ए साधु बाबा, मुंह उधर करो, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ। पिलाओ बेटी, दूध पिलाओ, जब तक पेट ना भर जाए पिलाओ। मैंने थोड़े ना मना किया है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह पीट करके इसे दूध पिला रही हो ना, इसी तरह तेरा बेटा भी पीट दिखा कर तुझसे दूर चला जाएगा। ये बाबा की भविष्यवाणी है, कभी गलत नहीं होता। जाने को बोला तो बुढ़ा प्रवचन दे रहा है, प्रवचन। उठ जाओ बाबा, उठ जाओ, उठ जाओ। ए, इतने बुजुर्ग आदमी को मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसका रिश्तेदार है जो इसकी वकालत कर रहा है। तेरी माँ नहीं है, तेरा बाप नहीं है, बात करता है भिखारी कहीं का। अगली बार अगर रिश्ते की बात करेगा ना, तो तेरी बत्तीसी तोड़ के इसी बाजार में तेरे हाथ में दे दूंगा। तेरे बारे में जो बात करेगा उसकी बत्तीसी तोड़ देगा तू? खुद को बड़ा दादा समझता है क्या? ये लड़की के साथ तेरा क्या संबंध है? क्या ये तेरी रिश्तेदार है? ये लड़की मेरा प्यार है, ये तेरी वाली नहीं मेरी वाली है, मेरे दिल में बसी है, तो निकल यहाँ से। शिवा, नहीं, ये जानबूझकर हमसे झगड़ा करना चाहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। उस दिन तुझे इतना मारा था हमने, फिर भी तो सुधरा नहीं। तेरे से तो मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बोला था तूने? मेरी वाली तेरी बनने वाली है। अपने को लड़की अच्छी लगी तो वो नॉर्मल होकर भी उसे खूबसूरत समझते हैं, ऐसा माइंड में हम लोग फिक्स कर देते हैं। शादी करनी है तो इसी से करनी है ऐसा सोच लेते हैं। सर उठाकर ना घूमने वाली लड़की को मेहनत से पटाकर, प्यार में फंसा कर, तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए बहुत सारे सर्कस करके, लव करके, लव करने के बाद उसका ख्याल रख के साथ में रहने वालों से कहते हैं कि देखो तेरी भाभी आई, तेरी बहन आई, ऐसा पोज देते हैं। हम सिंपल दिखते हैं लेकिन प्यार होने के बाद आधे आधे घंटे में अपना शर्ट बदलते हैं। हर मिनट में एक बार आईने के सामने आकर अपनी मूंछों को ताव देते हैं। हम अच्छा दिख रहे हैं या नहीं ऐसा सोचकर परेशान हो जाते हैं। उसे जो पसंद नहीं है वो सारी बुरी आदतें हम छोड़ देते हैं। वो जो भी चाहती है उसे हम भी चाहने लगते हैं। जब जेब में कॉल करने का पैसा नहीं होता है तो उधार लेकर रिचार्ज करके दिन रात बिना इंटरवल के, बिना गैप के उससे बात करते रहते हैं। हम लोग कितना भी बिजी रहे लेकिन खाना पीना काम दाम सब छोड़कर उसके लिए कलरफुल सपने देखते हैं, उसे दिल में बसा लेते हैं, उसके घर वालों को उल्लू बनाते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं दे सकता ऐसा बिल्डअप हम लोग देते हैं और अपने आप को हीरो समझकर पोज देते हैं। हम प्यार में जीत गए, हमें वो लड़की मिल गई ऐसा सोचते रहते हैं, और तू कहीं से आकर बोलेगा कि मेरी वाली तेरी वाली होगी तो ये सुनकर मैं चुप रहूंगा क्या बे? इसे छू के दिखाऊं क्या? अब बोल। छूना मत। गीता तुम जाओ। क्या बे, हमसे पंगा लेता है तेरे तो? मार इसको, मार तेरे तो। ओए बाप, अजीब साली। शिवा, शिवा, शिवा है ये। गीता, बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया, अब तुम ही चुपचाप खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम क्या कहना चाहती हो?
अच्छा बताओ तो गीता, हुआ क्या? किसी ने तुम्हें डांटा है क्या? तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कहा? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? ओह, तो फिर तुमने भगवान का कोई मौन व्रत रखा है क्या? अरे क्या हुआ है मुंह से बताओ तो सही। अरे हमारे गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है, शूटिंग की गाड़ी है। देखो अभी तो इसे लेकर जाओ और जो भी कहना है इसे फोन में बताने के लिए कह देना, चलता हूँ। अरे वो है ना मंजा। हाँ वो कहाँ गया? गीता वो बार बार तुमसे पूछ रहा था पर तुमने उसे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि जो बताना है फोन पे बता देना। अच्छा अभी चल। हाय गीता, अभी भी गुस्से में हो? तुम्हारा मौन व्रत अभी भी खत्म नहीं हुआ? बात करो ना नर्स मैडम। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गीता मुझे पता है कि तुम्हारा मौन व्रत खत्म हो चुका है। वैसे एक बात बताऊं, कल तुमने मुझे 20-30 मिस्ड कॉल दिए थे। अरे वो फिल्म की हीरोइन क्या मस्त लग रही थी पता है, उसे देखने के चक्कर में मैं तुम्हारा फोन बार बार कट कर रहा था। गीता जानू मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बात ही नहीं कर रही हो। अरे कुछ तो बोलो ना नर्स मैडम प्लीज। गीता भगवान इसका गुस्सा कब कम होगा। अच्छा चाहो तो मुझे दो थप्पड़ मार लो। अरे बाबा मुझसे बात तो करो। ओहो गीता रुको तो गीता। क्या गीता मुझे देखकर भी तुम अनदेखा करती हुई जा रही हो। जानती हो मैं तुम्हें कितना फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो गीता। और तुम ऐसे चुपचाप रहोगी तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं कैसे समझ पाऊंगा। गीता अरे गीता छह। हे मैं आया हूँ। कौन है रे गीता? कोई नहीं माँ। चलो ठीक है। क्या गीता क्यों इस तरह सजा दे रही हो मुझे, बोलो ना मेरी गलती क्या है? तुमसे बात नहीं करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है गीता। प्लीज गीता अपना फोन भी तुमने स्विच ऑफ करके रखा है, आखिर किस बात की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो गीता? पहले पहले तो तुम मेरा फोन एक ही रिंग में रिसीव कर लेती थी। बताओ ना मेरी गलती क्या है गीता? अच्छा ठीक है चलो तुम मुझे दो थप्पड़ मार लो गीता, लेकिन बताओ तो क्या हुआ है। गीता गीता क्या शिवा नींद नहीं आ रही क्या तुझे? नहीं यार। कैसे आएगी नींद, इंसान काम करेगा तभी तो आएगी नींद। प्यार में ये पड़ा है, नींद हमारी खराब हो गई है। अरे क्या बोलूं मेरी वाली मुझसे बात ही करना नहीं चाहती, क्यों नाराज है मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ। एक बात बता, कंपाउंडर की नौकरी मुझसे छीन ली, अब क्या वो डॉक्टर बनना चाहती है? अबे चुप कर बे तू, तू क्या जाने प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या हुआ होगा, दोनों में झगड़ा वगड़ा हुआ होगा या फिर उसे कोई और प्रॉब्लम हुई होगी? क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है यार। प्यार में ये सब चलता रहता है भाई, सो जा भाई कल सुबह बात करते हैं। दोस्तों कैसे सो सकता हूँ मैं, ये लड़कियाँ लड़कों के दिल में एंट्री करके कुछ भी नहीं किया सोचकर आराम से रात को सो जाती हैं। और मुझ जैसे लड़के मेरी वाली ऐसी है वैसी है ऐसा सोचते सोचते सोने तक सुबह हो जाती है। तो सोने का वक्त कब मिलेगा? एक लव करने वाले का प्रॉब्लम लव करने वाला ही समझ सकता है। क्यों बेटी नींद नहीं आ रही है क्या? दिया बुझा कर सो जाओ बेटी। सुबह से अपना सीडी नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ चला गया है? कोई जंगली घोड़ा देखने गया होगा। आए? ऐसा हो सकता है लेकिन अपनी शिवा के लव स्टोरी के बारे में क्या करे? कुछ तो करना होगा। अच्छा बहुत सी फिल्मों में देखा है मैंने,
अब मैं लव लेटर लिखूंगा। शाबाश मेरे कंपाउंडर यार, शाबाश। लिख लिख जल्दी लिख। मेरे प्यार के सागर में गोते लगाने वाली गीता, मैं तुम्हारा प्यारा शिवा हूँ। मेरी तुम्हारी शादी कब होगी बताओ? हम दोनों लोगों का मिलन कब होगा बताओ? ये भी ना आए यार। ऐसा भी लव लेटर होता है क्या? शिवा मैं बताऊं क्या तुझे? प्रिय गीता, तुम जल्दी से आकर मेरे गले लग जाओ। तुम्हारी याद में मैं कंपाउंडर बन गया हूँ दिल के अस्पताल का। जल्दी से आ जाओ। गीता मैं कोमा में जाने वाला हूँ, तुम आकर मुझे बचा लो। गीता आखिरी में सिर्फ तुम्हारा जान से प्यारा शिवा। कैसा है? ए, वो मेरी लवर है या तुम लोगों की लवर है? सब कुछ लेटर में लिखा है, तुम लोग अपना मुंह ना बंद रखो। चिट्ठी आई है। अरे रुको, क्या हुआ शिवा भाई? ये लेटर सरोजा जी के बेटी को दे देना। सरोजा की बेटी को? अगर सरोजा को पता चल गया तो? तुम पोस्टमैन हो या पुलिसमैन हो? मैं पोस्टमैन ही हूँ। ठीक है, दे दूंगा उसे। तो जाओ। अरे झांसी की रानी तो झाड़ू लगा रही है, अब चिट्ठी कैसे दूंगा मैं? भगवान बचा लेना मुझे इससे। सरोजा दीदी। ओ, मरलिंगा भैया कैसे हो? तुमसे मिलने का दिल किया ना। साथ में सोचा कि तुम्हें लेटर भी दे दूं, तो लेटर ही देने आया हूँ, ये लो। अरे मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? अरे मुझे क्या पता। अरे जरा तुम्हें पढ़कर बताओ ना। सरोजा दीदी, गवर्नमेंट मुझे सिर्फ लेटर देने का ही पगार देती है, पढ़ने का नहीं। अपनी बेटी को बुला लो, वही पढ़ेगी। अरे जरा रुको, चाय तो पी के जाओ। हाँ पिला दो। ए सीता। क्या है सरोजा चाची? इधर आओ जरा, चिट्ठी पढ़ दो। लगता है बच गई बैंड। Hey, मैंने लिखा है, पढ़ना मत उसे प्लीज यार। अरे देख क्या रही है, पढ़कर बताना जल्दी। मेरी प्यारी सरोजा उर्फ सरू के लिए। तुम किसी से प्यार करती हो क्या? पोस्टमैन मरलिंगा की प्यारी पप्पी। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या बे मरलिंगा, तुम आगे पढ़ो। तुम धूप में झाड़ू लगाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा पसीना निकलता है तो मुझसे देखा नहीं जाता। छाता ला दूं? सरोजा चाची छाता ला रहा है छाता। अबे नालायक मरलिंगा, तू मेरे लिए छाता लेकर आएगा? तू चिट्ठी आगे पढ़, मरलिंगा को मैं बताती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरे सर पर बाल भी आ जाएंगे। तुम हंसती हो तो मेरे दिल में घंटियाँ बजती हैं। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरी प्यारी सरोजा। देखो प्यारी सरोजा, सरोजा क्या बोल रहा है। देखो दीदी, ये सब कुछ मैंने नहीं लिखा है। अरे तू मुझे छाता देगा, फिर नहीं लिखेगा। अरे मैं कह रहा हूँ, दिखाई दिया ना कभी यहाँ पर, तो फंस गया। हे भगवान, उस शेरनी से बच गया मैं। अगर पकड़ में आ जाता तो मेरा टकला फोड़ देती। नमस्ते। आ गई कमीनों की पार्टी। नमस्ते। कैसे हो भाई? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कैसे ठीक रहूंगा कमीनो, उस शेरनी के मुंह में फंसाने के लिए कब से प्लान बना रहे थे? क्या पोस्टमैन साहब, सरोजा आंटी को लेटर लिखा तो आपको इतनी मार पड़ी है, अगर उसकी बेटी को लेटर लिखा होता तो सोचिए कितना मार खाते हैं आप। जरा सोचिए। मतलब ये लोग और एक प्लान बना रहे हैं। तुम इतनी आसानी से कैसे बकरा बन गए बताओ? उस शिव ने तुम्हें अपने जाल में कैसे फंसाया? कुछ तो बचाओ ना। क्या पोस्टमैन जी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। वही देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। किसने लिखा है? इसमें तो सब भोजपुरी में लिखा है, तुम खुद ही खोल कर पढ़ लो। अगर ऐसा है तो तुम ही पढ़कर सुना दो ना। ये बढ़िया चांस है, पूरा पढ़ के सुनाओ ना। चंपा तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अगर तुम मुझे एक बार छूने दो तो मैं सब कुछ करूँगा। अगर मुझे बाहों में भरोगी तो मैं तुम्हें प्यार भी करूँगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये सब मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। मन से छी, तुम्हें तो चिट्ठी अच्छी तरह पढ़ना भी नहीं आता।
पोस्टमैन भाई। शिवा भाई तू यहाँ कब से खड़ा है? जब तुम खोल खोल के पढ़ रहे थे मैं तभी आ गया था। अरे अरे ए पोस्टमैन, अब ये बात मैं सारे गांव में फैला दूंगा, चलो आ जाओ बाहर। नहीं, अरे नहीं, आया आया। पोस्टमैन साहब वापस आ जाओ। अरे सपने देखने लगे थे क्या? वो सारी बातें मत पूछो मुझसे। क्या बताऊं तुझे, सनी लियोन से ज्यादा खूबसूरत है वो, और सोनाक्षी से ज्यादा कम सिन है। अबे मोटे, तू अपनी शादी के बारे में सोच, मेरे बारे में नहीं। तू ठीक से जाना बे, नहीं तो वो फिर फंसा देगा। शिवा वो देख गीता आ रही है। गीता इसकी बात तो सुन लो। गीता कुछ तो बोलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? देखकर भी अनदेखा कर रही हो, क्या किया है मैंने ऐसा? मेरा गुनाह भी तो बताओ ना मुझे। अगली बार तुम मुझे जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, भगवान की कसम खाता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ गीता। अच्छा मैं मेरी कसम खाता हूँ, लेकिन प्लीज गीता मुझसे बात तो करो। गीता प्लीज गीता। क्या बात करूँ मैं, अगर मैंने तुमसे बात की या मिली तो मेरी माँ ने कहा है कि मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। हॉस्पिटल से आ गई बेटा, बैठ जा। माँ प्रधान जी ने तुम्हें घर पे क्यों बुलाया था, क्या काम था माँ? वो क्या है ना गीता, वो साहूकार साहब है ना, वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या बोलती, खुशी से मैं तो हाँ बोल कर आई बेटा। किससे पूछ कर हाँ कहा? ये क्या बोल रही है तू, तुझसे पूछ कर तेरी शादी करवाऊंगी क्या? ये बता मैंने तुझे पैदा किया या तूने मुझे पैदा किया है, भला मैं तुझसे क्यों पूछूं? मुझे ये शादी नहीं करनी है। ओ, तुझे शादी नहीं करनी है या इस लड़के से शादी नहीं करनी है? हाँ वही लड़का। मतलब? मैं शिवा से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। चप्पल से मारूंगी तुझे मैं। ये शादी तुझे करनी ही होगी। क्या देखकर उस लड़के को चाहने लगी तू? उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसे पैदा करने वाले का भी पता नहीं है। तुझे प्यार करने के लिए एक वही भिखारी मिला था क्या? देखो माँ, हर बार उसे भिखारी बोलकर उसकी बेइज्जती मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। माँ मुझसे जुबान लड़ा रही है, अब इतनी बड़ी हो गई है क्या तू? सुनो कुछ भी बोलो कुछ भी करो, आखिर इस घर में मेरा ही फैसला चलेगा। मैंने कहा है तो तुझे उस लड़के से शादी करनी ही होगी। तू अगर प्लान मैन बनाकर इस घर को छोड़ने का सोच रही है तो देखना मैं तेरी टांगे कैसे तोड़ती हूँ। अब समझ में आ गया मुझे। हाँ पुराने जमाने में कबूतर थे, उसके बाद आ गई चिट्ठियाँ, अब तुम्हें ये फोन मदद कर रहा है ना, इसी से तुम्हारा प्यार फल फूल रहा है ना, इस फोन की वजह से ही तुम ऐसी हो गई हो। देख बेटी अब अगर तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में मेरी बात नहीं मानोगी ना तो देख लेना बेटी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ठीक से सोच कर फैसला कर लेना गीता, या तो मेरा श्राद्ध या फिर तेरा प्यार, फिर सोच लेना। बढ़िया ही प्यार में शादी करने वाली। अरे यार तुम हो क्या? तुम्हारी कहानी तो वहाँ मार्केट में ही खत्म हो गई थी ना, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो ये मैं जानता हूँ। मैं कौन हूँ मुझे इतने दिनों तक पता नहीं था, लेकिन जब मेरी वाली ने मुझे धोखा दिया तब पता चला कि मैं बहुत बड़ा भिखारी हूँ। तुम अपने आप को भिखारी समझ रहे हो क्या? लेकिन तुम भिखारी नहीं कोई और हो, तुम्हारा नाम शिवा है, पिता का नाम राजन्ना, माँ का नाम भानुमती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे हाथ में जो ये चिन्ह है ना वो कह रहा है। मेरे पिता राजन्ना और माँ का नाम भानुमती, ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें कैसे पता ये सब?
भाग गया? हाँ। मैं काम पे जाऊँ? हाँ, संभल कर जाइएगा। क्या बात है, आज कुछ लाने को नहीं बोलोगी? मैं तो भूल ही गई। ठीक है, आते समय नथनी लेकर आइएगा। अरे पागल हो गए हो क्या, बच्चे के सामने क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैंने नथनी मांगी थी और तुम तो जाओ जाओ अपना काम करो। पापा, माँ जो भी मांगती है उसे आप दे देते हो, और मैं मांगता हूँ तो मुझे नहीं देते हो। तुझे क्या चाहिए बेटा, बोल। मुझे उड़म भी चाहिए पापा। अरे बेटा, वो समंदर या दुकान में मिलने वाली चीज होती तो लाकर देता ना, उसे पाल भी नहीं सकते तो कहाँ से लाकर दूँ, वो तो जंगल में मिलता है। कौन से जंगल में पापा? चल मैं दिखाता हूँ बेटा, आजा, आजा। आता हूँ सामान लेके तुम्हारा। वो जो जंगल दिख रहा है ना, वहाँ मिलता है वो। अच्छा, उस जंगल में मिलता है। क्यों राजा भैया, बच्चे को जंगल घुमाने ले जा रहे हो क्या? उड़म्बी मांग रहा है, उड़म्बी। उड़म्बी चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चाहिए। भाग्या, ये बच्चे को संभालो, हम काम पे जा रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। चलो, चलो आज देर हो गई। उड़म्बी मांग रहा है बच्चा इस उम्र में। मेरा बेटा उड़म्बी को बहुत चाहता है, उड़म्बी उड़म्बी हमेशा कहता रहता है। क्या करूँ अब बताओ, आज तो हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसा लगता है तूफान ना आ जाए कहीं। आज कुछ भी हो जाए मछली पकड़कर लानी ही है। लगता है आज लहर तो बहुत तेज तेज उठ रही है। हाँ लहर तो बहुत तेज है, देखो कहीं तूफान ना आ जाए आज। जो भी हो देख लेंगे ना भाई। हाँ हाँ चलते हैं, भगवान के भरोसे से चलते हैं और क्या। जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के। माँ, क्या हुआ इसको? बेटा माँ, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ बेटा? अरे रे सुनिए, जरा इधर तो आइए। क्या हुआ? इसका शरीर तो तप रहा है, देखिए ना। अरे बेटा शिवा, इसे तो बुखार आ गया है। देखिए ना, बुखार से तप रहा है मेरा बच्चा, क्या करूं अब। दर्द कर रहा पापा। क्यों बेटा, क्या हो गया, क्यों दर्द हो रहा है यहाँ? ये क्या करवाया तूने? उड़म्बी का चित्र है ये तो। हे भगवान, बेटा ऐसा तूने क्यों किया? ये तूने क्या किया बेटा, सुबह जो मुझसे पैसे लेकर गया था इसी के लिए था? आपने कहा था ना कि आप मुझे उड़म्बी ला के दोगे, लेकिन आप नहीं लेकर आए, तो मैंने उसे अपने हाथ पर बनवा लिया। हे भगवान। बेटा तुम उड़म्बी को इतना चाहते हो क्या? हाँ पापा, बहुत अच्छा लगता है। बेटा मैं तुम्हें कल असली वाला उड़म्बी ला कर देता हूँ। भाग्या हाँ? मैं जाता हूँ, वैद्य को लेकर आता हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ आता हूँ बेटा। आराम से जाना, ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। आइए 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 वैद्य जी, उठो अब बैठिए। हाँ। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। लगता है उड़म्बी को बहुत चाहता है, इसलिए हाथ में उड़म्बी का चित्र बनवा लिया है। क्यों बेटा? राजा भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस चित्र की वजह से शरीर गर्म हो गया था, मैंने पट्टी बांध दिया, सब ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है वैजी, डरो मत बेटा, हाथ का दर्द है ठीक हो जाएगा। हाँ तुम बच्चे का ख्याल रखना, मैं समंदर मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मौसम आज इतना खराब है, आप मत जाइए ना। हाँ राजा भैया, मुझे भी आज का मौसम ठीक नहीं लग रहा। आज सुबह रेडियो में बता रहे थे कि जोरों की हवा के साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नहीं शंकर, ऐसा सोचकर हम लोग घर बैठ जाएंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या? तुम्हारी बात भी सही है। चलो 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 चलते हैं, पकड़ो इसे। अरे मेरी बात। चलते हैं भाभी जी, संभाल के चलते हैं बेटा। हा? चलो राजा भाई चलो। हाँ, चलता हूँ, घबराओ मत, आराम से जाना। ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। हम जैसे गरीब लोगों की आवाज कौन सुनता है राजा भाई, मौसम कैसा भी हो काम तो करना ही पड़ता है। क्या करे शंकर, अपनी किस्मत ही ऐसी है बस।
ये क्या भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। सही कह रहे हो। ओहो, अरे बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। शंकर भाई, हाँ, अपने साथ वाले मछुआरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, सब लोग अपनी नावें भी उल्टी करके चले गए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, रेडियो पर बता रहे थे कि जोर की हवा के साथ बारिश भी होगी, बिल्कुल वैसा ही है। अरे भाई, बाकी लोगों की तरह बैठ नहीं सकते ना, चलो ना शंकर, चलते हैं। अब तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। हाँ। चलो हाथ लगाओ, चलो जोर लगा के। शंकर भाई, ये पानी में कुछ तैर रहा है। अरे ये तो कोई पेटी है, इसे खोल कर देखो क्या है इसमें। हाँ, कोई भारी चीज लगती है ये। हाँ, पता नहीं किसकी होगी। ये तो पेटी है, अरे इसे खोलो तो जरा। अरे क्या गिरा दिया तुमने, इतने सारे गहने। ये सब किसके होंगे बाबा, इतने सारे गहने। ये तो बहुत गहने राजा महंगे होंगे ना शंकर भाई। हाँ। भगवान जाने ये किसके होंगे सारे गहने। राजा भाई, हाँ, किसी के भी हो हमें क्या, ताने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसमें हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। हाँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो शंकर। हाँ। भाई ये सारे गहने हम अपने सारे गांव वालों को बांट देंगे। अरे अरे अरे, अरे समझो मेरी बात को, इस गहने को हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। देखो हम लोग इसे बराबर में बांट लेते हैं, हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। अरे नहीं शंकर भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिस किसी के भी ये गहने होंगे वो बेचारा कितना दुखी होगा, ये सब पुलिस के हवाले कर देते हैं। है? जिस किसी का भी होगा पुलिस पहुंचा देगी। अरे अरे अरे, अरे राजा भाई, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। है? चलो ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, तुमने सही कहा, चल के पुलिस वालों को दे देते हैं। ये किसी के हाथ ना लग जाए इसे हम जमीन पे गाड़ देते हैं, चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, गाड़ देते हैं और फिर पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस को देगा। हाँ, ये मेरे नसीब का है। भाग्या भाभी, भाग्या भाभी। शंकर भाई क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, और वो कहाँ है? तुमने कहा था कि मुझे और राजा भाई को समुंदर में नहीं जाना चाहिए। बहुत जोर का तूफान आया और हमारी नाव पानी में पलट गई। हमारे राजा भाई को शार्क ने अपने मुंह में दबोच लिया। हे राम। मैंने उस शार्क के ऊपर कई चाकू मारे, लेकिन उसने मुझे काट लिया। मैं कुछ नहीं कर सका और हमारे राजा भाई को मुंह में दबोच कर चली गई भाभी। क्या हो गया भगवान? मैं अपने राजा भाई को नहीं बचा पाया भाभी। सुनिए, मैं चावल पका देती हूं। अरे क्या जी, ये खून कैसा है? अरे खून छोड़, बाद में बात करेंगे। तो चोट कैसे लगी? जल्दी सामान समेट, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। तो... अरे चलो चलो, रास्ते में बताऊंगा तुम्हें, चलो जल्दी निकलो। उसने राजा भाई को मारकर गहनों की पेटी को यहीं छिपाया है। किसकी पेटी है क्या पता, इन गहनों के चक्कर में राजा भाई को मार दिया उसने। कितना बड़ा पापी है वो। उस दिन बहुत तेज तूफान आया था जिसकी वजह से वहाँ के सारे घर उजड़ गए। डर की वजह से सारे लोग वहाँ से भाग गए। इसी भाग दौड़ की वजह से तू अपनी माँ से बिछड़ गया। तेरे पिता को ढूंढते ढूंढते तेरी माँ मुझे मिल गई। मतलब मेरी मेरी माँ अभी जिंदा है क्या? अभी अभी वो कहाँ है?
मेरी माँ कहाँ है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? बताता हूँ। कहाँ है मेरी माँ? बताता हूँ, आजा। हे भगवान, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आ, मेरे साथ आ, आ जा। माँ, माँ, देखो मैं आपका बेटा हूँ माँ, मुझसे बात करो ना माँ। माँ, अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि मैं एक अनाथ हूँ माँ, मेरा कोई नहीं है, यही सोचकर मैं जी रहा था। माँ, दुनिया के सारे लोग मुझे अनाथ अनाथ कहकर पुकारते हैं, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो ना माँ, तो मैं सबके सामने बता दूंगा कि तुम मेरी माँ हो, मैं अनाथ नहीं हूँ माँ। माँ, जानती हो बचपन से तुम्हारा प्यार नहीं मिला था, बस तुम्हारा प्यार मिल जाए इसी के इंतजार में आज तक जी रहा था। सारी माएं अपने बच्चों से प्यार करती है माँ, तब मैं सोचता था कि मेरी माँ भी होती तो मुझसे इतना ही प्यार करती। मुझसे बात करो माँ। माँ, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी गोदी में सो जाऊँ माँ? माँ कुछ तो बोलो ना माँ, माँ बोलो ना कुछ तो माँ। तेरी माँ बात नहीं कर सकती बेटा, बात नहीं कर सकती। समुंदर में मछली पकड़ने के लिए गया था मेरा पति, एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगा, यही सोचकर 20 सालों से इन्हीं लहरों को देखती रहती है, लेकिन 20 साल के बाद भी इसका पति वापस नहीं आया। जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश बन गई है तेरी माँ शिवा, जिंदा लाश। माँ, मेरे पिता की मौत की वजह और मेरी माँ को इस हाल में पहुँचाने वाला वो शंकर कहाँ मिलेगा? बताता हूँ शिवा, बताता हूँ। तू जिस गांव में रह रहा है वो भी उसी गांव में रह रहा है, वो कोई और नहीं गांव का जमींदार है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसका नाश करने के लिए उड़म्बी की तरह नहीं, नरसिम्हा की तरह बदला लेना होगा। अरे कोई नहीं है। ए! हाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? शिवा? शिवा तुम यहाँ? गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती की है तूने। हे शिवा, ये सब तो चलता रहता है यार, कभी कभी ये काम बाहर भी करना पड़ता है यार। हाँ तू अपना हाथ तो छुपा सकता है, लेकिन किया हुआ गुनाह कैसे छुपाएगा बता? गुनाह? तुझे कितने पैसों की जरूरत है ये बता। गांव गांव दर दर भटकने के लिए मुझे मजबूर करने वाला सिर्फ तू ही है ना। ए, 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 क्या बक रहा है तू? पागल हो गया क्या, या दारू पी करके पागल हो गया है? पागल? मैं पागल? पागल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं तुझे। मुझे मेरे बाप से तूने दूर कर दिया, मेरी माँ को तूने जीते जी एक जिंदा लाश बना दिया, और मुझे तूने भिखारी बना के रख दिया। क्यों, बस उन थोड़े से गहनों के लिए ही ना? धोखे से मेरे पिताजी को मारकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया तूने।
तो तुझे पता चल गया? पता चल गया ना तुझे कितने दिनों से मैंने इस राज को छुपा के रखा था, और तुम्हें सब कुछ पता चल गया? सब कुछ पता चल गया? हाँ? ए शिवा, शाबाश। ए शिवा, उस समय तू बहुत छोटा था ना? हाँ? लेकिन आज तो तू बहुत बड़ा हो गया है। अरे बाबा 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 बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तेरे बाप के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था, सब ठीक हो जाता, लेकिन मैंने गलती कर दी। ए शिवा, तेरी माँ कैसी है? वो तेरी माँ ही है ना? वो अभी तक जिंदा है? मुझे तो लगा कि मर गई होगी। मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। ए, तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे पास मेरे गुनाह का कोई सबूत है क्या? नट भयंकर प्रचंड रावण, वज्र मुनि गुरु जी, नमो नमः। गुनाह करने के बाद सबूत वहीं पर छूट जाए तो अंत में सबको जेल जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे इसी वक्त कच्छ से काट कर यहीं गाड़ दूंगा। ए शिवा, ये शंकर वो पुराना शंकर नहीं है। मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। तेरे बाप को मैंने ही मारा था, और उसी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने मारा है, लेकिन एक भी सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन अब तुझे सबूत बनने नहीं दूंगा। आ? क्यों, क्या सोचा? मैं सबूत हूँ, तू मुझे नहीं छोड़ेगा। नया शंकर, पुराना शंकर, मैं अब वो बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। तुझे मारकर मैं बदला लूंगा। बदला लेगा, वो भी मुझसे? क्या बात है बाबा 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 बाबा। ए शिवा, एक एक शब्द जोड़ के मेरा हिसाब लिख रहा है क्या? ए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, सिम्हा नरसिम्हा हूं मैं। तेरे जैसे छोटे बच्चे से डरूंगा? तू तो समंदर की एक छोटी सी मछली है रे। तेरे जैसी हजारों मछलियों को खा चुका हूँ शार्क हूं मैं। मेरे मुंह के पास आया तो मर जाएगा। मैं भले ही अभी पैदा हुई छोटी मछली हूँ, मगर समंदर की गहराई को जानता हूँ। तुझे क्या लगता है इतनी जल्दी तुझ जैसे शार्क के मुंह में मैं फंस जाऊंगा क्या? ओए! हे! उड़ के आया नरसिम्हा है तू। ए, मुझे बीच बाजार में तू नहीं मारा था ना? हमारे छोटे को भी तू नहीं मारा था ना? हम लोग उस बात को भूल गए, लेकिन अब तू हमारे बड़े मालिक को भी मारने आ गया। मैं 20 साल से अनाथ बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, और गांव वालों की डांट सुनकर भिखारी की तरह रह रहा हूँ, तो उसकी वजह कौन है जानता है? सिर्फ वो है। इसके किए धोखे की वजह से मैं अपने बाप को खो बैठा। खाना खिलाने वाली माँ के होते हुए भी उस खाने के लिए मैं गली गली दर दर भीख मांगता था। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और मुझे देखती थी तो कहती थी कि निकल जा यहाँ से, तू मनहूस है, तेरी नजर लग जाएगी। मुझे मनहूस बनाने वाला कौन है? सिर्फ ये आदमी। तो जानता नहीं है कि शंकर क्या चीज है? छोटा सा बच्चा है मेरे सामने तू, और मुझे मारने चला है? ए, इसे काट के समंदर में फेंक दो। ए,
Oh,